देश में कई घोटाले सामने आ चुके हैं। ताजा मामले में 2G घोटाले के फैसले ने देश की राजनीति को पलटकर रख दिया था। इस फैसले का इंतजार देशवासी बीते 7 साल से कर रहे थे, लेकिन आखिर में निकलकर ये आता है कि ये घोटाला हुआ ही नहीं था। क्या सचमुच ऐसा था कि ये घोटाला नहीं हुआ, या सिर्फ ये लोगों का भ्रम था? क्या इससे पहले भी ऐसे मामलों में ऐसा ही होता रहा है? आज यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पहले भी कई घोटाले हुए, लेकिन आज तक किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई। अगर देश में घोटालों की बात की जाए तो लंबी लिस्ट निकलकर सामने आएगी, लेकिन घोटाले से जुड़े किसी व्यक्ति का नाम नहीं उजागर है। आजादी के समय से देश में घोटाले हो रहे हैं, लेकिन आज तक घोटाले ही सामने आए हैं। इससे जुड़े व्यक्तियों की बू तक नहीं आती। ऐसा भी नहीं कि घोटाले केवल एक ही सरकार के कार्यकाल में किए गए हों। देश में हुए सारे घोटाले यूपीए और एनडीए दोनों सरकारों के कार्यकाल में हुए हैं, और इन दोनों सरकार में हुए घोटालों की फेहरिस्त भी काफी लंबी है। ये देश का दुर्भाग्य ही था कि देश के आजाद होते ही घोटालों का दौर शुरू हो गया। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जीप स्कैंडल, साइकिल स्कैम, मुद्रा स्कैम, तेजा लोन स्कैम और प्रताप सिंह कैरो स्कैंडल सामने आए थे। तो वहीं भारतीय राजनीति के इतिहास में दुर्गा के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मारुति विवाद, अंतुले करप्शन, इंडियन ऑयल स्कैम, चुरहट लॉटरी स्कैम छाया रहा था। इसके साथ ही जब इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो इस दौरान उनकी सरकार पर भी घोटाले छाए रहे, जिसमें बेफोस घोटाला, सेंट किट्स, सबमेरिन और एयर इंडिया का मामला सुर्खियों में बना रहा। वहीं पीवी नरसिंहा राव के कार्यकाल में झामुमो घूसकांड, हर्षद मेहता स्कैम, इंडियन बैंक स्कैम, सुगर इंपोर्ट घोटाला, लखुभाई घोटाला, सुखराम घोटाला, यूरिया घोटाला और हवाला घोटाला सामने आए थे। जब बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई तो उनका शासनकाल भी घोटालों से अछूता नहीं रहा। अटल के समय में बराक मिसाइल घोटाला, तेलगी स्कैम, तहलका ऑपरेशन, स्टॉक मार्केट स्कैम, यूटीआई स्कैम, ताबूत घोटाला, पेट्रोल पंप आवंटन का घोटाला और नेताओं का पैसे लेते हुए मीडिया के कैमरों पर पकड़े जाना सुर्खियों में बना हुआ था। लेकिन जब यूपीए की सरकार आई और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान ऑयल फॉर फूड, सत्यम घोटाला, आईपीएल घपला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, इसरो घोटाला, कोयला घोटाला, एनएचआरएम घपला और अगस्ता वेस्टलैंड का मामला सुर्खियों में रहा। इस दौरान केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी अपने क्षेत्र में घोटाला करने से पीछे नहीं रही। कुछ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके शासनकाल में राज्य में घोटाले हुए। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल में ललित मोदी स्कैंडल, खदान आवंटन, अरावली में अवैध खनन, हाउसिंग बोर्ड घपला और SPML इंफ्रा लिमिटेड को लाभ देने का मामला सामने आया था। साथ ही छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के शासनकाल में PDS स्कैम, नमक और सैनिटेशन स्कैम, राशन कार्ड घपला सुर्खियों में रहा। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासन में व्यापम घोटाला सुर्खियों में छाया रहा था, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान को काफी विवादों का सामना करना पड़ा। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बड़े पैमाने पर चारा घोटाला को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं।